हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूँ अन्यू मलिक। आज मैं अपनी बहन का मेकअप करूँगी। तो ये मेकअप पार्टी मेकअप लुक है। तो इस मेकअप को हम देखो किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, टोनर लगाऊंगी, क्योंकि मेकअप करने से पहले फेस पर टोनर लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि स्किन हमारी सेफ रहे। अब इसके बाद मैं लगाती हूँ पर्पल का सीरम। मैं सीरम ले लूँगी और सीरम से इसकी क्या हल्की आंसी मसाज कर दूँगी, क्योंकि इसकी स्किन ड्राई बहुत ज़्यादा है। तो इसको है ना सीरम की ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे क्या हमारा मेकअप एकदम ग्लोई हो जाएगा, लूका सूखा सा नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं सीरम की मसाज कर दूँगी हल्की आंसी, जिससे सीरम इसकी स्किन में चला जाए। अब देखो सीरम के बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर मेरा मियोन का है और ये प्राइमर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है ये। मैंने ये मार्केट से लिया था। तो अब मैं ये प्राइमर ओपन पोर्स होते हैं ना, मैं वहाँ पर लगा दूंगी, जिससे कि ये ओपन पोर्स है ना क्लोज हो जाएं, तो और मेकअप से है ना कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरीके से मैं ओपन पोर्स प्राइमर लगा। अब मैं लगाऊंगी कंसील। पहले मैं आज आई मेकअप करूंगी पहले, तो आई मेकअप के लिए पहले मैं कंसीलर लगाऊंगी। पहले इस डार्क सर्कल ना उनको छुपा दूंगी, इसके ज़्यादा नहीं, हल्के डार्क सर्कल है तो मैं उनको छुपा दूंगी। प्राइमर से ही अच्छी तरीके से कवर हो जाते हैं, तो मैं दोनों पे लगा के इसको और छुपा दूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करके अच्छी तरीके से सेट कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं ला दूंगी। और ये प्राइमर स्विस ब्यूटी का है, और ये कंसीलर स्विस ब्यूटी का है और बहुत ज़्यादा अच्छा कंसीलर है, ये मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको सेट कर दूंगी। इसको ये है ना अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कंसीलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने ये सेट कर दिया है। अब देखो मैं कंसीलर लगाऊंगी और इसके आईब्रो को है ना थोड़ा अच्छा सा बना दूंगी, जिससे कि आईब्रो अच्छी दिखे। तो मैं पहले आई मेकअप करती हूँ, तो मैं पहले कंसीलर से पहले आईब्रो को सेट करूंगी, क्योंकि जो आईब्रो है ना अच्छी तरीके से दिखे हमारी। तो ये मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको सेट करूँगी दोबारा से। और ये ब्यूटी ब्लेंडर से सेट होने के बाद है ना इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से और सेट करना है, जिससे क्या है चाहे फाउंडेशन हो चाहे कंसीलर हो है ना थोड़ी लाइनिंग ना बना दे। तो इस तरीके से मैं इसको सेट करूँगी। अब देखो पर्पल का मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर, ये मेरी बहन ने छोटी वाली बहन ने तोड़ दिया है इसका, तो मैं इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट कर दूँगी इस तरीके, जिससे क्या है लाइन ना बने हमारी। अब मैं आई मेकअप पर आ गई हूँ, तो मैं पहले क्रीज लाइन बनाऊंगी। क्रीज लाइन बन जाएगी ना तो हमारा मेकअप अच्छा आ जाता है। और क्रीज लाइन बनाने के बाद जो हम आई शेडो है ना हमें ऊपर नहीं लगाना पड़ता। इस तरीके से देखो मेरी क्रीज लाइन बन गई। और जो ये आई मेकअप है ना, इसका जो शेड है ना हुडा ब्यूटी की जो किट है उसका है, तो ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये किट बहुत ज़्यादा अच्छी है, सारे कलर इतने सुंदर कलर है इसमें। तो अब देखो अब मैं दोबारा कंसीलर लूँ और एक छोटी सी ब्रश से है ना पहले एक लाइनिंग बना दूँगी, क्रीज लाइन की लाइन बना दूँगी, जिससे कि जो मेकअप है ना मुझे अच्छा चाहिए, मुझे है ना आई मेकअप अच्छा चाहिए। तो मैं थोड़ी लाइनिंग बना के इस तरीके से है ना कट क्रीज बनाऊँ। अब देखो कंसीलर से मैंने जो लाइनिंग बनाई उसके नीचे कंसीलर लगा दूँगी। ये मेरा कंसीलर लग गया, देखो इस तरीके से कंसीलर लग गया है। अब इसको क्या करना है, कॉम्पैक्ट पाउडर से इस कंसीलर को सेट करना है। तो इस तरीके से देखो मैं पर्पल का जो कॉम्पैक्ट पाउडर ना उससे सेट कर दूंगा। आपके पास बेबी पाउडर हो, कोई सा ही पाउडर आप उससे भी सेट कर सकते हो, जिससे क्या जो कंसीलर की लाइन नहीं बने और ये सेट हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर है ना आई शैडो लगाएंगे ना, तो वो एक ओवर कर आएगा कलर। तो देखो अब ये अब मैं इसमें है ना आई शैडो लगा दूंगी, जो पिंक है ना मैं पिंक आई शैडो ला दूँगी। मेरे पास जो ये पिंक आई शैडो की जो किट है ना पहले मेरी बहुत पुरानी रखी है, ये मैंने लगा दी। इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छे कलर हैं। अब देखो मेरा वाइट, अब ये वाइट लाइनर है, तो ये लाइनर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको है ना क्रीज लाइन पे लगाऊंगी, तो इससे क्या है आँखें थोड़ी बड़ी दिखेंगी और लुक अच्छा आ जाएगा पार्टी के लिए, पार्टी मेकअप में एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो वाइट लाइनर लग गया। अब मैं ब्लैक लाइनर लगा दूंगी, और ये ब्लैक लाइनर पर्पल से लिया था, ये मतलब जो लाइनर लिया ना मेरे पैसे वसूल हो गए, इतना अच्छा लाइनर, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये और आसानी से लग जाता है ये। तो इस तरीके से मैं लाइनर लगा लूँगी, तो ये मेरा लाइनर लग गया है। लाइनर लगने के बाद मैं आईब्रो को फिल करती हूँ। तो आईब्रो को फिल करने के लिए ये मैंने जेल लाइनर लिया है, क्योंकि इनकी इसकी आईब्रो है ना बहुत कम है, तो इससे क्या है थोड़ी आईब्रो अच्छी लगेंगी। तो मैं इसको सेट कर दूंगी, और एक्स्ट्रा होगा ना मैं एक्स्ट्रा को हटा दूंगी, तो आईब्रो हमारी एक अच्छी हो जाए। तो देखो आईब्रो कितनी अच्छी हो गई है। अब मैं लगाती हूँ काजल, देखो काजल इस तरीके से लगा दूंगी मैं। और ये NYV का काजल है, ये काजल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब जो भी मैंने पर्पल से जो भी प्रोडक्ट खरीदे ना बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं हमारे यहाँ।
हमारी फेस पर ये। तो अब मैं थोड़ा सा इसको ना सेट कर दूँगी जिससे कि हमारी आँखें, इसकी आँखें थोड़ी मोटी दिखें, तो इसको मैं थोड़ा लगा दूँगी। तो इससे, इस काजल से क्या है, हमारी आँखें मोटी दिखती हैं और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अब मैं मस्कारा सेट कर दूँगी, इससे क्या आईलिश कर्ल हो जाए और अच्छी दिखें। अब ये मेरी लिप बाम है, वो जो वैसलीन होती है ना, वो सबसे बेस्ट यही है। तो मैं इसके होठों को मॉइस्चराइज कर दूँगी। अब ये देखो डर्माकोल फेश, डर्माकोल फाउंडेशन है ये, तो ये फाउंडेशन बहुत हाई कवरेज है इसकी। तो देखो ये मैं इसको डॉट डॉट करके लगा दूँगी। अब इस तरीके से लग गया, अब अच्छी तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो देखो ब्लेंड अच्छी आसानी से हो जाएगा ये ब्लेंड, क्योंकि सीरम लगा हुआ है ना, तो ब्लेंडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से देखो ये ब्लेंड हो गया। अब ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, मैं इससे क्या सेट कर दूँगी, इससे लाइनिंग नहीं बनने दूँगी। कॉम्पैक्ट पाउडर लग जाएगा ना तो लाइनिंग नहीं बनती उससे, और मेकअप है ना लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अब देखो ये हमारा कॉन्टोर है, तो मैं थोड़ी फेस की कटिंग करती हूँ। तो हल्की सी कटिंग करनी है हमें, से जहाँ कॉन्टोर करना है ना, जैसे चिक पे तो फोरहेड पे हल्का हल्का करना, मत ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा ही। अब देखो ये मेरा ब्लशर है, मैं ब्लशर लगाऊंगी। ये ब्लशर ही बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब हमें ये क्या है लाइट मेकअप करना है, ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना। तो ब्लशर भी हमें हल्का सा, मतलब ब्लशर भी हमें मेकअप के हिसाब से या ड्रेस के हिसाब से लेना। ये मेरा हाइलाइटर, ये मेरा हाइलाइटर फेवरेट है मेरा, बहुत अच्छा हाइलाइटर है। तो इस तरीके से ये मैं हल्का सा हाइलाइटर लगा दूँगी, चिक बोन पे लगा दूँगी, नोज़ पे, अपर लिप्स पे और फोरहेड पे, इस पर जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी ना हाइलाइटर मैं वहाँ लगा दूँगी। उस हाइलाइटर से क्या एकदम लुक चेंज हो जाता है और मेकअप में एकदम शाइनिंग आ जाती है। तो इस तरीके से मेरा हाइलाइटर लग गया है। अब मैं ये हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक है पिंक कलर में, तो इसको लगाऊँगी। तो इसको इस तरीके से लगा दूँ, पहले की थोड़ी लाइनिंग बनानी है, फिर जब लिपस्टिक लगानी, क्योंकि ये लिपस्टिक मैट है ना, तो फिर अगर इधर उधर हो जाए तो मेकअप ख़राब हो जाता। अब मैं आईब्रो को हाईलाइट करूँगी जिससे कि आईब्रो अच्छी दिखें। तो इस तरीके से अब मेकअप सेट करना है हमें, ये फिक्सर से मेकअप सेट हो जाएगा। ये भी मैंने पर्पल से ख़रीदा था, और ये फिक्सर, मेकअप फिक्सर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लॉन्ग लास्ट में लगता है, मेकअप को एकदम लॉक कर देता है मेकअप को। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से जो फिक्सर लाया ना उसको सेट कर दूँगी। तो इस तरीके से ये सेट हो गया है। आप भी इस मेकअप फिक्सर को ज़रूर ट्राई करना, और आप बताना मेरा मेकअप आपको कैसा लगा है। अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आया हो तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, लाइक कर देना, और कोई कमी हो तो उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखना।